आज के वीडियो में हम लोग योक वाली नाइटी की कटिंग करना सीखेंगे। इसकी स्टिचिंग का प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो टोटल दो पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में मैं इसकी कटिंग और दूसरे पार्ट में इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। दोनों अगर मैं एक साथ बताऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे दो पार्ट में अपलोड करूँगी। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर ने योक वाली नाइटी की कटिंग और स्टिचिंग का डिमांड किया था। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने एक नाइटी जो कि काफ़ी सिंपल है उलेन नाइटी का स्टिचिंग और कटिंग सिखाया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर प्रेस करने पर मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस चैनल पे DIY, क्राफ्ट, फैशन, स्टाइल और स्विंग से रिलेटेड वीडियो को शेयर किया जाता है। तो आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे पुराने वीडियो को भी जरूर देखें। बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड कर देंगे, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। 4 फोल्ड करके हम इसे फर्श पे या टेबल पे बिछा लेंगे। मुझे ये नाइटी 16 इंचेस लेंथ वाइज बनाना है तो मैंने इस तरह से इसे फोल्ड करके बिछा रखा है। हम लोग इसे बॉटम से 16 इंचेस पे एक मार्क लगा देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगाया है। यहाँ मैंने 16 इंचेस पे मार्क किया है जो कि हमारा नाइटी का लेंथ रहेगा जो बन के तैयार होगा। उसमें मैंने यहाँ पे 3 इंचेस प्लस किया है। ये 3 इंचेस इसलिए है क्योंकि हमारा 1.5 इंचेस फोल्ड नीचे में जाएगा और 1/2 इंच हमारा शोल्डर के पास स्टिच में जाएगा और 1 इंच हमारा जब हम योक पट्टी कट करेंगे तो वो स्टिच में जाएगा। तो हम लोग इसमें जो भी हमारा रिक्वायर्ड लेंथ रहेगा उसमें 3 इंचेस प्लस करके लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपका लेंथ रहेगा उसमें आप 3 इंचेस प्लस कर लेंगे। अब हम लोग क्लोज वाले पार्ट की तरफ, जहां मैंने लेंथ का मार्किंग किया है, वहां से हम लोग 11 इंच पे शोल्डर मार्क करेंगे। आप अपने मेजरमेंट के अनुसार शोल्डर मार्क कर सकते हैं। रूलर की हेल्प से हम लोग वहां स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वहां से हम लोग 9 इंचेस डाउन पे एक मार्क लगाएंगे आर्म होल के लिए। अब हम लोग चेस्ट के मेजरमेंट का मार्किंग करेंगे। टोटल चेस्ट के मेजरमेंट को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें हम लोग 1 इंच लूजिंग रखते हुए उस पर मार्किंग करेंगे। रूलर की हेल्प से हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग आर्म होल की गोलाई दे लेंगे। आर्म होल की पूरी गोलाई 12 इंचेज है। इसको हम लोग अगर डबल करेंगे तो ये 24 इंचेज का होगा जो कि मेरा रिक्वायर्ड आर्म होल का मेजरमेंट है। अब हम लोग गले का मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे। तो गले की मेजरमेंट की मार्किंग हम लोग क्लोज वाले पार्ट से ही करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 इंचेज पे गले के लिए मार्क किया है। आप अपने मेजरमेंट के अनुसार कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल या मीडियम के लिए बना रहे हैं तो 3 इंचेज पे मार्क कीजिएगा और अगर लार्ज के लिए बना रहे हैं तो 3.5 इंचेज पे मार्क कीजिएगा। मैं यहाँ पे XXL बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे 4 इंचेज पे मार्क कर रही हूँ। शोल्डर को मैं यहाँ पे 1 इंचेज डाउन कर लूँगी और फिर इसको मार्क कर लूँगी। आप अगर लार्ज के लिए बना रहे हैं तो 3/4 इंचेज डाउन करेंगे और अगर आप स्मॉल या मीडियम के लिए बना रहे हैं तो 1/2 इंचेज डाउन करेंगे। बैक नेक मैं यहाँ पे 2.5 इंचेज डीप रखूँगी और फ्रंट नेक मैं यहाँ पे 6.5 इंचेज डीप रखूँगी। आप अपने अनुसार इसे डीप कर सकते हैं। रूलर की हेल्प से हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फ्रंट और बैक दोनों के गले की गोलाई दे लेंगे। हम लोग जहां पे चेस्ट का मेजरमेंट किए थे वहां से हम लोग 4 इंचेस डाउन पे एक मार्क लगा लेंगे और वहाँ से हम लोग आर्म होल की जहाँ पे कटिंग किए थे और यहाँ पे जो 4 इंचेज पे मार्क किए हैं दोनों को हिप कर्व से मिला लेंगे, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। हिप कर्व
कर्व की मदद से हम उस लाइन को और एक्सटेंड कर देंगे जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। ये जो हमारा एक्सटेंड किया है उसमें हम लोग छोटे छोटे प्लीटें डालेंगे और योक के साथ उसको अटैच कर देंगे। तो अब हम इस लाइन पे कटिंग कर लेंगे। अब हम लोग मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम लोग बैक नेक की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम लोग फ्रंट और बैक को अलग कर देंगे और फिर हम लोग फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे और फ्रंट का जो आर्म होल है उसे भी डीप करेंगे। अब हम लोग फ्रंट योक को सेंटर से कट कर लेंगे। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें हम लोग स्लीव लेंगे, इसे भी मैंने फोर फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और अब हम इस पर स्लीव की मार्किंग करेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये स्लीव डबल एक्सेल साइज के लिए बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसे मार्क किया है। आप अपने अनुसार इसकी मार्किंग कर लें और लेंथ आप जितना चाहें उतना इसकी रख सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी या सजेशन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अब हम लोग जो नीचे का बॉडी है उसे लेंगे और सेंटर में एक नॉच लगाएंगे और सेंटर से एक नॉच हम लोग 7.5 इंचेज पे लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग प्लीटें डालेंगे। इस तरह से इस नाइटी की कटिंग पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग की फुल प्रोसेस बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्यूचर में आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमें कमेंट करें। अगर फ्यूचर में आप इस तरह के वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो से रिलेटेड और भी इमेजेज और अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।